दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली के पुत्र मकर ध्वज का रामायण के बाद क्या हुआ, क्या थी उनके आगे की कहानी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित बुकिंग में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, ताकि आप तक हमारी वीडियोस सबसे पहले जा सके। दोस्तों रामायण युद्ध के दौरान रावण की आज्ञा अनुसार यही रावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उनको पाताल लोक ले गया, जिसके बाद रावण के भाई विभीषण ने ये भेद हनुमान जी को बता दिया। दोस्तों भगवान राम और लक्ष्मण को कहां ले गया? तब राम लक्ष्मण की सहायता करने के लिए हनुमान जी पाताल लोक जा पहुंचे। दोस्तों जैसे ही हनुमान जी पाताल के द्वार पर पहुंचते हैं तो उनको एक वानर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बड़ी हैरत में पड़ जाते हैं और मकर ध्वज से उनका परिचय हो जाता है। दोस्तों मकर ध्वज अपना परिचय देते हुए बोलते हैं कि मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ और पाताल लोकपुरी का द्वारपाल हूँ। वो आगे बताते हैं कि जब आपने अपनी पूंछ से रावण की लंका दहन की थी, उसी दौरान लंका नगरी से उठने वाली आग की वजह से आपको तेज पसीना आने लगा। पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए आप समुद्र में पहुंच गए, तब आपके शरीर से टपकती पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुंह में ले लिया, जिस वजह से मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पताल के राजा और रावण के भाई यही रावण के सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ लाए। मछली का पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला, जो वानर जैसा दिखता था, और वो वानर मैं ही था। पिताजी, बाद में जाकर सैनिकों ने मुझे पताल का द्वारपाल बना दिया। दोस्तों मकर ध्वज का ये परिचय सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ही हनुमान हूँ और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी का परिचय पाते ही मकर ध्वज उनके पैरों में जा गिरे और हनुमान जी को प्रणाम करके उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाई। दोस्तों हनुमान जी ने भी मान लिया कि वे उनका ही पुत्र है, लेकिन ये कहकर कि वो अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर वो बढ़े, वैसे ही मकर ध्वज ने उनका मार्ग रोक दिया। उन्होंने कहा, पिताश्री यह सत्य है कि मैं आपका ही पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वो द्वार से नहीं हटा। तब उन दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसको अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधा देवी मंदिर में पहुंचे, जहां पर यही रावण राम लक्ष्मण की बलि देने ही वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक में प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां पर स्थापित हो गए। दोस्तों कुछ देर के बाद यही रावण वहां पर आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण जी की बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी सामने प्रकट हो गए और उसी तलवार से यही रावण का गला काट दिया। दोस्तों उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम्हारी पूंछ में ये कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा ये लग रहा है, इसको खोल दो। दोस्तों हनुमान जी ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे अपने बंधन से मुक्त किया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकर ध्वज का राज्य अभिषेक करके उसको पताल लोक का राजा घोषित किया और कहा कि भविष्य में वे अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करें। दोस्तों ये सुनकर मकर ध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इसी प्रकार मकर ध्वज हनुमान पुत्र कहलाए और ये ही थी उनके आगे की कहानी। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिए और साथ ही जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।